लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता सवी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। मुंबई की डीआरआई विभाग की टीम ने दो दिनों में लगभग 100 किलोग्राम सोना जब्त किया। वहीं इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोने के अतिरिक्त डीआरआई के अधिकारियों ने अभियुक्तों के घर और कार्यालय से 1,81,00,000 रुपए नगद बरामद किए। डीआरआई के अधिकारियों के अनुसार अभियुक्त शोएब और अब्दुल ने बताया कि वे लगभग 200 किलोग्राम विदेशी सोना निसार अलियार, जो सोने का तस्कर है, उससे पाए। वहीं डीआरआई की टीम ने मुंबई के अन्य जगहों से 106.9 किलोग्राम सोना महज 2 दिनों में जब्त किया। वहीं इस मामले में डीआरआई के अधिकारियों ने मुंबई के डोंगरी इलाके में जाल बिछाकर 2 वाहनों को रोका। ड्राइवर अब्दुल अहद जारोदार वाला होंडा सिटी में बैठे, शोएब जारोदर वाला स्कूटर सवार शेख अब्दुल अहद को गिरफ्तार किया। अब्दुल अहद और शेख अब्दुल दोनों शोएब जारोदर वाला के कार्यालय में काम करते थे। डीआरआई की टीम ने सोना तस्कर निसार अलियार और सोना खरीदी करता मनोज जैन और हैप्पी धाकड़ और अकील फ्रूट वाला हवाला संचालक को गिरफ्तार किया। वहीं डीआरआई की टीम ने क्रमशः 40,00,000 रुपए जारोदर वाला और लगभग 68,00,000 रुपए मनोज जैन से बरामद किए। महाराष्ट्र के मुंबई से मुमताज जवेरी की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती है लोगों, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इंडिया लाइव न्यूज चैनल @gmail.com पर, या हमारे वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialiveNews.co.in पर। नमस्कार।